हाइबरनेशन, एस्टिवेशन एंड डाइपॉज, ये तीनों कितने कंफ्यूजिंग से लगते हैं ना, बट आई एम श्योर इस वीडियो के एंड तक आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। दिस इज बेसिकली द अडेप्टेशन विच इज शोन बाई बायोटिक कॉम्पोनेंट्स इन रिस्पॉन्स टू द एबायोटिक कॉम्पोनेंट, मेनली क्लाइमेट। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइबरनेशन की और सिंपली विंटर स्लीप, जिसके नाम में ही विंटर है तो इट इज वेरी इजी। विंटर स्लीप का मतलब हो गया वो एनिमल्स, वो बायोटिक कंपोनेंट्स अपने आप को हार्श विंटर कंडीशन से बचने के लिए जो विंटर में अपने आप को इनएक्टिव या लो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज दिखाना शो कर दें, तो उसको हम बोलते हैं कि द एनिमल इज हाइबरनेटिंग। जैसे कि आपका पोलर बेयर, अगर पोलर बेयर की बात की जाए तो वो वैसे भी इतने एक्सट्रीम विंटर कंडीशन में पाया जाता है, लेकिन जब उसके हिसाब से कंडीशंस बहुत एक्सट्रीम हो जाती है तो इट स्टार्ट्स टू हाइबरनेट। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट आता है आपका एस्टिवेशन और सिंपली समर स्लीप। जैसे कि उसके नाम में विंटर था, इसके नाम में समर है, और कहने का मतलब वो एनिमल्स जब अपने आप को हार्श हॉट कंडीशन से बचने के लिए जब समर में स्लीप ले लेते हैं उसको हम बोलते हैं एस्टिवेशन। नाउ हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन, ये दोनों अडेप्टेशन थे हार्श हॉट कंडीशन एंड हार्श विंटर कंडीशन से बचने के लिए। अब इन दोनों के बिल्कुल ऑपोजिट आता है आपका डाइपॉज। नाम में क्या है, पॉज मतलब रुक जाना। क्या रुक जाना, जब कभी भी एनिमल्स अपने अपनी डेवलपमेंट प्रोसेस पे रोक लगा देते हैं, डेवलप होना बंद कर देते हैं, तो हम बोलते हैं कि दे आर डाइपॉजिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जू प्लैंकटन्स की बात करें, जू प्लैंकटन्स अपने आगे पीछे एक सिस्ट बना लेते हैं और अपने आप को उसमें अपनी डेवलपमेंट और अपनी इनएक्टिविटी की वजह से अपना डेवलपमेंट प्रोसेस को रोक देते हैं, इसको हम बोलते हैं डाइपॉज। थैंक यू गाइज, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे एंड वी विल सी यू सून विद न्यू अमेजिंग फैक्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज।